गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल राधा एजेंसी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी छत पे आ गए हैं पूजा करने के लिए और अभी से थोड़ा थोड़ा कोहरा दिख रहा है, पता है ठंडा वाला, इसीलिए ठंडा बढ़ भी गया है। तो यहाँ छत पे आए हैं अभी तुलसी माँ को पूजा करने के लिए और कल उनका शादी हुआ था, आप लोग देखे होंगे ब्लॉग, इससे पहले आया होगा तो देख लीजिएगा। और सच में यहाँ पे जैसे हुआ है ना, देखने से वही फील आ रहा है जैसे शादी के बाद फील होता है ना, वही सुबह का, मतलब वही फील, वही वाइब वैसा आ रहा है। देख सकते हैं तुलसी माँ कितनी सुंदर प्यारी लग रही है। इनको उड़ाए हुए थे, वो गिर गया यहाँ, इसको ले लेंगे, इसको यहीं पे डाल देंगे क्योंकि ओस की वजह से ना पूरा भीग गया है, तो इसको यहीं पर डाल देते हैं ताकि सूख जाए और सूखने के बाद लेके चले जाएंगे। इतना ओस गिर रहा है कि कपड़े पूरे गीले हो जा रहे हैं, पूरे गीले। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं तुलसी माँ का, एक बार बैक कैमरे से अच्छे से आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी तुलसी माता और यहाँ पे हम पूरा सजा भी दिए थे तो और सुंदर लग रहा था सब कुछ। ये हटा देते हैं, दिया नीचे रख देते हैं, सोचे इधर भी सजाने का बट नहीं हो पाया, इतना हो पाया सजा दिया। इतना सुंदर सूर्य भगवान उगे हैं ना, देख सकते हैं। तो चलिए जल चढ़ाते हैं। छत पे पूजा करने गए, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उसके बाद यहाँ तुलसी माता को भी पूजा किए, जल दिए उनको। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूजा में हम सूर्यदेव भगवान से ही जल देके, और उसके बाद छत पे तुलसी माता हैं तो उनको पूजा करने के बाद हम नीचे आते हैं। तो पूजा रूम में पूजा करते हैं, मतलब सारे भगवान जी लोग को, तो नीचे आ गए थे और यहाँ पूजा कर रहे थे। और ठंड बहुत बढ़ गई है गाइज, इसीलिए हम जो वुलन वाला इनर आता है वो हम पहनना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि सुबह में नहाने के बाद और ज़्यादा ठंड लगने लगता है, बहुत ज़्यादा ही। फिर पूजा करने के बाद आ गए किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और यहाँ पे नाश्ता में हम बना रहे थे सेवई और आलू गोभी का भुंजिया और ढेर सारा चीज़ जो आपको शॉर्ट्स में देखने मिले होंगे। तो अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कल ही शॉर्ट्स हम डाल दिए थे, आप लोग शेयर कर दिए थे और क्या क्या नाश्ते में बनाए थे वो सब कुछ दिखाए थे, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है बताइएगा, बहुत पहले का ड्रेस है, मेरे को इतना खूबसूरत लगता है ना ये ड्रेस, तो मतलब ये स्लीवलेस है तो हम नहीं पहन पाते हैं, तो इसलिए ठंड के दिन में निकाल दिए हैं कि इनर के ऊपर से पहन लेंगे और अच्छा भी लगेगा, तो मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा था। सूट ही नहीं किए, मन ही नहीं किया, कभी कभी अजीब सा मौसम करता है, क्या करता है, मतलब अजीब सा फील होने लगता है अचानक से, वैसे ही हुआ था। तो सुबह में सब लोग चले गए, नाश्ता बना दिए, उतना तक तो आप लोग को दिखाया ही, उसके बाद अपना वीडियो वगैरह डालें। अभी शाम हो गया है, 4:30 हो रहा है, आए हैं छत पर कपड़े ले जाने, एंड जो सूप दौरा था वो धो के सुखाया गया है जिसमें छठ होता है वो ले जाने आए हैं, तो सोचे आप लोग से बात कर ले थोड़ा।
आप लोग के साथ भी होता है क्या कभी कभी अचानक से मूड स्विंग्स हो जाएगा, मतलब अजीब सा मन हो जाएगा, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा? तो वही हुआ था अभी, ऐसा हुआ है। मौसम वगैरह अचानक से ठंड बढ़ गई है, दोपहर में गर्मी लगने लगा था, फिर भी हम नहीं खोले इनर, क्योंकि यही ठंड लग जाता है फिर प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसलिए खुद सतर्क रहो। फोन आ रहा है मेरी बहन, हेलो, कॉल नहीं उठाई तो देखी नहीं। सो गाइज, ये छठ का है तो वो सब लेके जाना है, यहाँ भी है ये, तो इसको अच्छे से धो के और रख दिया जाता है। तो चलिए लेके चलते हैं नीचे। फिर बारी आया डिनर का, तो डिनर में आज बन रहा था आलू पराठा और मेरा फेवरेट, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये चना हम फ्राई कर रहे थे और एक तरफ आलू फ्राई हो रहा था। चना इसलिए फ्राई कर रहे थे क्योंकि चटनी बनाना था नारियल का, जो जिसमें चना का दाल और नारियल लहसुन आप ये सब मिक्स करके बहुत टेस्टी बना सकते हो चटनी। और यहाँ पर देख सकते हैं आलू भी फ्राई हो चुका है और बनेगा अब आलू भरा पराठा, टेस्टी सा, बहुत ही टेस्टी लगता है मेरे को तो, और हम हमेशा ज़्यादा खा लेते हैं बनता है तो। उसके बाद यहाँ पे माँ लेके आई सब्जी, तो वो सारा सब्जी यहाँ निकाल रही थी। तो ठंड के दिनों में ये है ना कि इतना अच्छा अच्छा सारा सब्जी मिलता है ना कि मन होता है सारा कुछ मिक्स बना के खाएं। और देख सकते हैं शिमला मिर्च, ये सारा जो सब्जी है ना, मतलब मिक्स बहुत अच्छा लगता है, सारे को मिक्स करके और बनाओ तो एकदम अलग टेस्ट आता है। और सारे सब्जी ही मिलते हैं, गर्मी में कभी कभी समझ ही नहीं आता क्या खाएं, समझ नहीं आता, सारे सब्जी मिलते नहीं हैं, पर ठंड के दिनों में इतने सब्जी मिलते हैं ना कि मन खुश हो जाता है एकदम से। तो यहाँ भिंडी भी था, देख सकते हैं मटर भी, सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे माँ जो है सब्जी कट गई थी सुबह के लिए, क्योंकि लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और कट रहता है तो बहुत हेल्प हो जाता है क्योंकि बन जाता है तुरंत से, काटने में ही तो लेट लग जाता है मेरे को, ऐसे कटा रहता है तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे माँ कट कर दी सब कुछ, जो भी मिक्स था सब्जी सारा कुछ। उसके बाद ये क्लिप नेक्स्ट डे का है, मतलब आज का जब हम एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने वाले, तो हम सारे कपड़ों को यहाँ पे वॉशिंग मशीन में डाले धोने के लिए, और मेरे भी थे, मेरे पतिदेव के भी थे, तो सारे कुछ यहाँ पे धोएं जल्दी जल्दी से। और मतलब इतना सारा हो गया था ना कि दो तीन बार धोना पड़ा था सब कुछ, क्योंकि ठंड का दिन है तो ठंड का भी हो जा रहा है कपड़ा, और ये सब मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम रूम में आए, बेड वगैरह ठीक किए थोड़ा, और ठीक करने के बाद यहाँ पे एक ड्रेस जो आप लोगों को दिख रहा होगा वो लाए थे आयरन करने के लिए, क्योंकि अभी तुरंत मेरे को मार्केट भी निकलना था, काम था कुछ, तो इसलिए। और कॉटन जो कपड़ा होता है ना बहुत जल्दी अजीब सा हो जाता है कितने भी अच्छे से रखो, तो इसलिए हमको आयरन पहन के आदत नहीं है, मतलब कोई भी कपड़ा आयरन करके पहनने का, बट कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है कि आप पहन ही नहीं पाते हो बिना आयरन किए, तो वहीं ये वाला ड्रेस है, एकदम इतना ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, लगता है कि मोटरी से निकाला हुआ हो, ऐसा फील आता है देखने से। और ये जो सूट है ना बहुत ही सुंदर लगता है, सीक्वेंस वाला पूरा सूट है, और पहनने पे एक अलग लुक आता है क्योंकि दुपट्टा अलग दे दिया है, देखिएगा अगर दिखा पाए तो दिखाएंगे अच्छे से। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। क्यों जा रहे हैं माँ? जा रहे हैं पूजा का सामान लाना है, चूड़ी लाना है, तो हम लोग वही लेने जा रहे हैं। लाना है पूजा का, और कुछ नहीं लाना है, खाली फल एक दो चीज और सब है घर में, कल तो पूर्णिमा है, कथा है, तो वही सब, तो एक दो चीज़ फूल लाना है, पान पत्ता लाना है, दही लाना है, हाँ, जो चीज़ स्टोर नहीं रहता घर में वही सब अपना लिए चूड़ी लाना। चलिए चलते हैं मार्केट। सो गाइज़, हम लोग पहुँच गए मार्केट में और यहाँ पे देख रहे थे चूड़ी, बट जैसा चूड़ी चाहिए था मिल ही नहीं रहा था, बहुत सारा वो भी दिखाएं बट कलर अच्छा अच्छा नहीं था, अच्छा मतलब जो चाहिए था वो कलर नहीं था, बस रेड ऐसा ही भरा हुआ था, तो रेड तो सबके पास चूड़ी भरा ही रहता है, बट वैसा कलर चाहिए था जो थोड़ा अलग हो। तो हम लोग यहाँ गए दूसरे दुकान पर, तो ये देख सकते हैं मतलब थोड़ा ग्रीन दिख रहा था, चाहिए था स्काई जैसा, लेकिन डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहा था चूड़ी का, देख सकते हैं। ये जो कलर है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्ट करता है। और ये देखे दोनों आज भी हमारे साथ आए हुए हैं मार्केट। फिर यहाँ पे ये गोल्डन का क्या रहता है ना, किसी भी साड़ी पर चल जाता है, बहुत सुंदर लगता है, मतलब कोई भी कलर का हो अगर आप गोल्डन कॉम्बो लगाते हो तो एक अलग
लुक आता है चूड़ी का भी। तो यहाँ पे अच्छा अच्छा चूड़ी था जो दिखाया था, देख सकते हैं ये चूड़ी का डिज़ाइन इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे माँ देख रही थी चूड़ी और हम बोले जो पसंद है ले लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग देखे प्लेन चूड़ी, जो ये वाला चूड़ी वेलवेट का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो चूड़ी हम लोग देख रहे थे। तो ये भी सुंदर लग रहा था, सिंपल सा था और मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि वैसे भी वेलवेट का चूड़ी बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे को तो पर्सनली पसंद भी है बहुत, हम ख़रीदते ही रहते हैं वेलवेट वाला जो आता है। तो ये इसमें भी ये कलर था तो हम लोग सोचे कि ये ले लें क्या, तो दिखाएंगे बाद में कौन कौन सा लिए, कंफ्यूज थे हम लोग, सब कुछ आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिए ये मेहंदी और यहाँ पे दो था, एक कावेरी था नेहा था, तो हम यहाँ पे पूछ भी रहे थे कि कौन सा अच्छा है, तो वो बोले कावेरी लेने, तो हम लोग कावेरी ले लिए। आप लोग बताइएगा आप कभी यूज किए हो क्या नेहा मेहंदी, कैसा कलर आता है बताइएगा। उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे पूजा का सामान लेने के लिए, यहाँ पे ले लिए माला पान और फूल जो जो होता है सब कुछ ले लिए थे। उसके बाद यहाँ हम लोग गए प्रसाद चढ़ाने के लिए, मिठाई लेने, लड्डू पेड़ा जो भी होता है, तो वही हम लोग यहाँ ले रहे थे। माँ यहाँ पूछ रही थी मेरे से समोसा खाओगी, हम बोले नहीं शाम में चाट लेते आइएगा, बाहर जाइएगा तो समोसा नहीं खाएंगे। फिर बोली इडली खा लो कुछ खाओ, हम बोले नहीं शाम में चाट खाएंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग अपना लिए मिठाई प्रसाद के लिए और फिर बस एक बच गया था फल लेना, तो वो फल भी हम लोग लिए बाद में। यहाँ पे देख सकते हैं मिठाई ले लिए, यहाँ पे माँ पैसा दी उनको और हम लोग निकले यहाँ से। तो हम लोग यहाँ याद कर रहे थे कि सब कुछ ले लिए ना, कुछ बचा नहीं है ना लेने के लिए, तो बस एक फल बचा था। तो हम लोग गए फल के दुकान पे और यहाँ से ले लिए फल जो जो हम लोग को लेना था। वैसे तो और फल था घर पे, बट बस केला नहीं था, सेब वगैरह भी लेना था लेकिन फिर हम लोग सोचे कि बाद में लेंगे, पहले केला ले लेते हैं, तो वो ले लिए। उसके बाद घर आने के बाद यहाँ पे हम चावल बैठाने का तैयारी कर रहे थे खाने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 2:30 बज गया था हम लोग घर आते आते मार्केट से, 2:30 से ज़्यादा ही हो गया था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से चावल चुने और बनाने के लिए बैठा दिए हम। दोपहर के खाने के लिए चावल भी बैठा दिए हैं एंड कुछ कपड़े थे धोने थे तो वो डाल दिए फिर से धोने के लिए, और जो डाले थे वो तो पसार के गए थे क्योंकि सूखता नहीं फिर, इसलिए एंड फिर से अभी डाल दिए। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं कभी कभी, तो अब आज ब्लॉग भी नहीं किया होगा, अभी ये एडिट करके डालना ही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, जा रहे हैं खाना खाएँगे उसके बाद डालेंगे। फिर यहाँ पे हम दोनों सास बहू बैठ के और खाना खाएं दोपहर का, बहुत ही टेस्टी हम लोग का पसंदीदा भोजन जो हम लोग खाते हैं, दाल भात और भुजिया जो बहुत ज़्यादा पसंद है हम दोनों को, तो जब भी हम लोग दोपहर में बनाते हैं तो ये ज़रूर बनाते हैं, एक अलग ही टेस्ट आता है खाने में, मतलब मन खुश हो जाता है खा के। तो यहाँ हमारा खाना बन चुका था और हम लोग बैठ के खा भी रहे थे और हम लोग ऐसे ही बात करते करते खा लिए और खा लेते हैं पता भी नहीं चलता है। उसके बाद कपड़ा भी धोने के लिए डाले थे, वो भी डालने जाना था। सो गाइस जो कपड़े थे धुल चुके हैं और आ गए हैं छत पे कि कपड़े हम डाल दें, तो सोचे कि ब्लॉग को एंड भी कर दें क्योंकि आज ब्लॉग गया नहीं है और एडिट करके तुरंत मेरे को डालना है, और फिर कल पूजा है, कल पूर्णिमा है तो उसका पूजा है, तो उसका भी तैयारी करना भी बहुत सारा, तो वो सब शेयर करेंगे कल वाले ब्लॉग में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा गाइस, और दिखाएं नहीं क्या क्या ख़रीद के लाए हैं, कोई कोई चीज़ है जो दिखा देंगे, एक बहुत सुंदर क्लचर लिए हैं और रबड़ लिए हैं, ये सारी चीज़ें लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ गाइस, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।